मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक। चल में खेत बेचकर पत्नी के खाते में डाले थे पति ने 39 लाख और पत्नी 11 रुपए छोड़ के पड़ोसी के साथ फरार हो गई। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं ये पूरी लेटेस्ट अपडेट कहाँ से आ रही है, इसके ऊपर नजर डालते हैं, मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने बिहार से आ रहा है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी के अकाउंट में 39 लाख रुपए डाले थे अपनी पुरानी जमीन बेच के, क्योंकि वो शहर में अपने अच्छे भविष्य के लिए और उसी दौरान ही अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए शहर में घर लेना चाहता था। इसी दौरान ही पता चल रहा है कि पत्नी जो है अपने पड़ोसी के साथ 39 लाख रुपए लेके फरार हो गई और पीछे जो है उसने सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए छोड़े। ब्रिज किशोर उसके पति का नाम बताया जा रहा है, जिसकी शादी जो है प्रभाती देवी के साथ 14 साल पहले हुई थी। इन दोनों के दो बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी, और इस दौरान ही ये एक्चुअली में बाहर शहर में जो है काम किया करते थे और समय समय पे अपने घर भी आया करते थे, जहां पर पत्नी जो है वो एक्चुअली में दूसरी जगह पर किराए के मकान पे रहती थी, क्योंकि वहां पर बच्चों के स्कूल थे। और उस दौरान ही इसने एक दिन अपने पति को कॉल किया और कॉल करने के बाद इसके बारे में जमीन के बारे में बोला और उसने अपनी जमीन जो है वो बेची भी और उसके अकाउंट में पैसे भी डाल दिए। इस दौरान जैसे ही वो घर पे आया तब उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है वहां पर मौजूद नहीं है और मकान मालिक ने बोला कि उसकी पत्नी जो है वो सुबह सुबह 5 बजे मकान खाली करके यहाँ से चली गई है। जिसके बाद पति ने अपनी पत्नी को काफी ज्यादा खोजने की कोशिश की, कॉल करने की कोशिश की, उसका नंबर स्विच ऑफ गया और उस दौरान ही उसको शक हुआ, जिसके कारण वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। जहां पर पता चला जब उसका खाता तलाशा गया तब पता चला कि 26 लाख रुपीस उसने एक अलग युवक के अकाउंट में जो है ट्रांसफर किए हैं और 13 लाख रुपए चेक के थ्रू निकाला है और पीछे अकाउंट में 11 रुपए बचे हैं। और इससे ये भी साबित हो गया कि लड़की जो है वो एक्चुअली में किसी युवक के साथ फरार हो गई है और ये पूरा पैसा लेके चली गई है। उसके पति के साथ उसने धोखा किया है, वो भी शादी के 14 ईयर के बाद। तो आई होप गाइस आप भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।